नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकलस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो LEC से आ रही है। आपको बता दें कि चीनी सेना ने एक एडवांस रॉकेट लॉन्च सिस्टम को हाई एल्टीट्यूड एरिया में टेस्ट के लिए रखा है। बता दें कि चाइना के इस एडवांस रॉकेट सिस्टम का जो परीक्षण था वो अभी हाल ही में चीन के पश्चिम में एक रेगिस्तानी शूटिंग रेंज में किया गया और इसने कई किलोमीटर दूर के लक्ष्य को हिट किया। इस हथियार का नाम है PCL-1 191 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसे कि ट्रक पर माउंट किया गया है। बता दें कि ये एक साथ कई टारगेट्स को लंबी दूरी में खत्म कर सकता है। अब ये कहा जा रहा है कि चाइना इस PCL-191 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को LAC पर तैनात करने वाली है और ये खबर खुद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भी छपी है। इस बारे में खुद चाइना के विश्लेषक भी कहते हैं कि अभी हमने इसके जो परीक्षण किए हैं रेगिस्तान वाले एरिया में, जो इस बात को दर्शाता है कि हमारी मारक क्षमता काफी ज्यादा है। हालांकि दोस्तों इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का अनावरण चीन ने 2019 में कर दिया था। ये भी कहा जा रहा है कि ये अपने साथ 8 370 mm के रॉकेट ले जा सकता है, जिसमें कि प्रत्येक 350 किलोमीटर की सीमा का है। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा ये 2 750 mm फायर ड्रैगन 480 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलें ले जा सकता है, जिसकी रेंज करीबन 500 किलोमीटर है। दोस्तों मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि चाइना के पास 500 किलोमीटर रेंज वाले इस तरीके के एडवांस रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। यही नहीं, इसके अलावा चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि हम इसे LAC पर भारत के खिलाफ तैनात करेंगे और हो सकता है कि ये भारतीय सैन्य अड्डों से भी टकराए। इसके अलावा चाइनीज प्रोपेगेंडा विंग ने यह भी कहा कि PCL-191 काफी सक्षम है, इसे ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है, इसके अधिकतम सीमा को कई बार बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे 2020 के संघर्ष के बाद से ही, यानी कि गलवान हिंसा के बाद से ही, भारत और चीन दोनों ने LAC पर अपनी मारक क्षमता को काफी उन्नत किया है। चाइना यह भी कह रहा है कि भारत ने, यानी कि भारतीय सेना ने M777 हविजर को अग्रिम पंक्तियों में, यानी कि फ्रंट लाइन में भेजने के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया था और चाइना अब अपने PCL-191 ब्रिगेड को और इसके साथ 100 PCL-181 ट्रक माउंटेड हाउजर को तैनात करने के लिए ये भारत को हमने जवाब दिया है। यानी कि पूरी तरीके से तैयारी पे लग चुका है चाइना। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त हम लोगों को समझनी बाकी हैं। दुश्मन है, चाहे उसका हथियार 500 किलोमीटर का है चाहे 50 किलोमीटर का है, कम नहीं समझना। इसीलिए बेहद ज़रूरी हो गया है अपनी सैन्य तैयारियों को और पुख्ता करना। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों मैंने अभी आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के P-75I का जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल था उसे नवंबर तक बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों अब साउथ कोरिया की देबू शिपयार्ड बिल्डिंग और स्पैनिश फर्म नवंतिया P-75I में अपनी इच्छा को जता रहे हैं। यानी कि उससे पहले तो साउथ कोरिया की देबू जो शिपयार्ड थी वही एकमात्र कंटेंडर बची हुई थी, जिस वजह से ये सिंगल वेंडर सिचुएशन हो गई और भारत नहीं चाहता था कि ये टेंडर सिंगल वेंडर सिचुएशन में हो जाए और इसीलिए अब यहाँ पर स्पैनिश फर्म नवंतिया एंटर कर चुकी है। हालांकि दोनों ही देश भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत काम करने के लिए तैयार है। साउथ कोरिया की आपको तो मालूम ही है KSS-3 सबमरीन है और वहीं स्पेन ने अपनी S-80+ सबमरीन को पेश किया है। खास बात यह कि दोनों ही पनडुब्बियों में एक प्रूवन AIP सिस्टम है और अगर भारत इनमें से किसी को चुनता है तो इन कंपनियों को भारतीय पार्टनर, जिसमें कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर और LNT के साथ इस तरीके की लॉन्ग एंड्योरेंस सबमरीन को बनाया जाएगा। बता दें कि साउथ कोरिया की KSS-3 को 2019 में शामिल कर लिया गया था साउथ कोरियन नेवी में। वहीं स्पेनिश AIP प्रूवन सबमरीन यानी कि S-80+ को 2021 में लॉन्च किया गया था। दोनों ही सबमरीन में लैंड अटैक मिसाइलें लगी हैं। इसके अलावा ये पनडुब्बियां बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकती है। दो बातें दोस्तों यहां पर हो सकती है, या तो अब इन दोनों में से किसी एक को भारतीय नौसेना को या भारत सरकार को चुनना होगा, दूसरा यह है कि RFI फिर से नवंबर तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, जो चेंज होकर आएगी RFI, देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों अगली खबर इंजन निर्माण क्षेत्र को लेकर आ रही है। जिस तरीके से अमेरिका को ये बात तो पता चल गई है कि भारत और फ्रांस दोनों ही मिलकर नया इंजन डेवलप कर रहे हैं फाइटर जेट्स के लिए, ऐसे में अब अमेरिका किसी न किसी तरीके से भारत में अपनी पैठ बनाना चाहता है। जो नई अपडेट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि US इंजन निर्माता प्रेट एंड विटनी ने ये घोषणा की है कि वो भारत में स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग सेंटर खोलेगा बेंगलुरु में, जिसके पहले सेट के तहत इंजीनियर्स और सीनियर अधिकारियों की भर्ती भी शुरू हो गई है। ये सुविधा जो है, यानी कि ये फैसिलिटी जनवरी 2023 में शुरू हो जाएगी। प्रेट एंड विटनी ने कहा कि ये उनका पहला ऐसा निवेश है जहां वे दुनिया के एकमात्र फील्ड गियर वाले टर्बोफैन इंजन को तैयार करते रहेंगे। इसके अलावा यहां पर जो स्थायी प्रपल्जन है इंजन का वो तो बनेगा, लेकिन उसी के साथ साथ अगली पीढ़ी के प्रपल्जन सिस्टम को भी तैयार किया जाएगा नए इंजन के लिए। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना की तरफ से आ रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि भारत सरकार अब 60 फाइटर जेट्स, जो कि MRFA टेंडर के तहत सीधे खरीदे जाने हैं विदेशी मैन्युफैक्चरर से, उन्हें खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा सरकार स्थानीय रूप से बन रहे फाइटर जेट्स पर भी जोर दे रही है।
भारत सरकार का मानना है कि भारतीय वायुसेना के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्द आगे बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना पहले ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को भी कह चुकी है कि MRFA डील को जल्द से जल्द इसे प्रभाव में लाया जाए और इसके लिए अर्ली एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पर भी जोर दे चुकी है, जो कि पहले फेज के तहत है। कहा यह जा रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 2022 के अंत तक जारी किया जाएगा। अगली खबर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आ रही है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप पर काम शुरू हो चुका है और खास करके इसके फैब्रिकेशन पर काम चल रहा है, जो कि इस साल के अंत तक रोल आउट हो जाएगा। दोस्तों अब HAL ने कहा कि उन्हें और फंड्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उन्हें अतिरिक्त पैसे और चाहिए ताकि 3 अतिरिक्त यानी कि एडिशनल तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप को तैयार किया जा सके और इन प्रोटोटाइप्स का इस्तेमाल भी डेवलपमेंट और हथियारों के परीक्षण के लिए किया जाएगा। इसीलिए जल्द से जल्द निर्माताओं को फंड देना होगा ताकि सही समय पर यह तैयार हो सके, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में खास करके 2030 में तेजस मार्क 2 से मिराज 2000 और MiG-29 फ्लीट को बदला जाना है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारत चीन मीटिंग को लेकर आ रही है, जो कि 16वें दौर की बातचीत हुई है। हालांकि मैंने कहा था कि मीटिंग का नतीजा कुछ नहीं होगा और 12 घंटे मीटिंग चली है, जिसके बाद भी नतीजा कुछ नहीं आया। बता दें कि चाइना अभी भी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों को पीछे बुलाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही कि चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी ने इस बार PP-15 के लिए अपना काउंटर प्रपोजल रख दिया है, जिसकी अब समीक्षा की जाएगी। इस प्रस्ताव में क्या शर्त है जिसके बाद चीन पीछे हटेगा या फिर कुछ और है, अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग के पास PP-15 पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी बरकरार है और दोनों ही तरफ भारी संख्या में सैनिक तैनात किए गए हैं। इन्हें विवाद वाली जगह के 1 किलोमीटर के दायरे में रखा गया है। दोनों पक्ष हालांकि इस बात पर सहमत हैं कि विवाद वाले क्षेत्रों को लेकर अगर रजामंदी बनती है तो दोनों पक्ष अपने सैनिकों को पीछे बुलाएंगे और सभी अस्थायी ढांचों को ध्वस्त कर देंगे। हालांकि भारत ने कड़े शब्दों में कहा है कि वो गतिरोध वाले जितने भी स्थान हैं वहां से पीछे हट जाए। दोस्तों मैंने कहा था ना कि कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि स्ट्रांग मैसेज देना है चाइना को तो हमें अब उसी की भाषा में जवाब देना होगा। हमें भी LAC तो बहुत बड़ा है, हालांकि विवादित है, कुछ जगहों पर भारतीय सेना को कब्जा करके बैठ जाना चाहिए। सीधी बात है, आप इधर का डिसइंगेजमेंट करवाओ या फिर उधर का करवाओ, चाइना को उलझा के रखो, यही करना है। यानी कि भारत को अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनानी है कि जिस एरिए से चाइना पीछे नहीं हट रहा, आप आगे वाले एरिए को कैप्चर कर लो, वहाँ टेंट गाड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। फिर अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय सेना ने टाटा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल को सेना के नॉर्दर्न कमांड में शामिल किया है। बता दें कि 4x4 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल पर हैवी मशीन गन इसके छत पर लगी है और ये वाहन स्नैक लेवल 4 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन से लैस है। इसके अलावा इसमें कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि मिनी प्लग ऑप्टोनिक्स पेलोड, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम और एडवांस नेविगेशन सिस्टम। बता दें कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है यानी कि इसकी अधिकतम गति है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 2000 किलोग्राम का अधिकतम भार ले जा सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के वरुणा ड्रोन को लेकर आ रही है। दोस्तों बता दें कि सागर डिफेंस एंड इंजीनियरिंग ने अपना स्वदेशी रूप से तैयार किया गया वरुण UAV को प्रदर्शित किया, जो कि एक पायलट लेस ड्रोन है और ये इंसानों को भी उठा सकता है। बता दें कि वरुण UAV का प्रदर्शन भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के सामने किया गया है। वरुणा की अगर रेंज की बात करते हैं तो वो 25 किलोमीटर है और ये 130 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसे भारतीय नौसेना के हिसाब से ये तैयार किया गया है। ये ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है और ये पर्सनल्स और जो मटेरियल्स होता है उन्हें भी ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा इस स्वदेशी वरुणा UAV के जो जमीन आधारित ट्रायल्स हैं वो शुरू हो चुके हैं और अगले 3 महीनों में इसके समुद्री परीक्षण किए जाएंगे, जिसके बाद भारतीय नौसेना करीबन 30 की संख्या में वरुण ड्रोनों को खरीदेगी और इन्हें अपने अग्रिम युद्धपोतों पर तैनात करेगी। यही नहीं दोस्तों, कंपनी का भी ये कहना है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को 1.5 साल में पूरा भी कर सकती है, यानी कि तेजी से इन ड्रोनों की डिलीवरी भी कर देगी। दोस्तों अगली खबर CPAC को लेकर आ रही है। पाकिस्तान में अपना सैन्य अड्डा बनाने में जुटा चीन अब अपने CPAC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने की तैयारी में जुट गया। पाकिस्तान और चीन ने एक नई रणनीति भी दोस्तों बना ली है। चीन का CPAC प्रोजेक्ट उसके बेल्ट एंड रोड पहल का ही हिस्सा है, जिसे दुनिया भर में संदेह की नजर से देखा जाता है। चीन अब इस प्रोजेक्ट में ग्वादर बंदरगाह को काबुल से जोड़ना चाहता है और चीन ने यह काम ऐसे समय पर तेज किया है जब भारत ने तालिबानी सरकार के साथ अपने संपर्क को बढ़ाया और काबुल में अपने दूतावास को फिर से एक्टिव किया है। और भारत ऑब्वियसली बात है इस परियोजना का वैसा भी विरोध करता है और अफगानिस्तान तक जाए तो फिर भारत के लिए ये टेंशन की बात भी है। दोस्तों चीन को मालूम है कि अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का प्राकृतिक भंडार है। यही नहीं, चीन अब अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया के अन्य देशों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। बता दें कि अभी एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के लिए चीन के एक विशेष दूत ने और पाकिस्तान के विदेश सचिव सुहेल महमूद ने इस बारे में एक बैठक भी की है। इस बातचीत में ये कहा गया है कि क्षेत्रीय संपर्क के लिहाज से दोनों ही पक्ष CPAC के विस्तार करने के लिए
उसे अफगानिस्तान तक ले जाने के लिए तैयार हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बारे में ये कहते हैं कि चीन की कोशिश है कि अफगानिस्तान के अरबों डॉलरों के कोयले, सोना, तांबा, कोबाल्ट पर कब्जा किया जा सके। दरअसल करोड़ों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के एशिया से टकराने पर धरती पर मौजूद जो दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार अफगानिस्तान में इकट्ठा हो गया था, इन खनिजों का खनन अफगानिस्तान की सूरत को पूरी तरह से बदल सकता है। वहीं चीन अफगानिस्तान में मिले लोहा, तांबा, कोबाल्ट, लिथियम और नियोबियम के विशाल भंडार से मालामाल हो जाएगा। और इन सब में दोस्तों लिथियम की मांग के चलते अफगानिस्तान को सऊदी अरब भी कहा जाता है। लिथियम का इस्तेमाल आपको मालूम ही है कि लैपटॉप, मोबाइल की बैटरियों में होता है। दोस्तों अगली खबर भारत और रशिया को लेकर आ रही है। दरअसल यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का माकूल जवाब देने की कोशिश करते हुए रशिया ने एक बड़ा कदम उठाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारतीय कंपनियों को किए गए तेल निर्यात के लिए भुगतान संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम में किए जाने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारत की एक तेल कंपनी को किए गए तेल निर्यात का बिल यानी कि इनवॉइस देखने से पता चलता है कि इस निर्यात के लिए गणना डॉलर में की गई, लेकिन रूस ने भारतीय कंपनियों से दिरहम में भुगतान करने का आग्रह किया। रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट, यूएई आधारित ट्रेडिंग कंपनियों एवरेस्ट एनर्जी और कोरल एनर्जी के जरिए भारत में कच्चा तेल निर्यात कर रही है। चीन के बाद भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि दो भारतीय तेल कंपनियों ने पहले ही रूस को दिरहम में भुगतान भी कर दिया है और आने वाले दिनों में भी रूस को दिरहम में ही भुगतान किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों यूएई की मुद्रा दिरहम में किए गए इस भुगतान से पश्चिमी देशों में खलबली मच सकती है। दरअसल ये देश कह रहे हैं कि यूएई इस मामले में रूस का पक्ष ले रहा है। इसके अलावा दोस्तों रशिया का करेंसी एक्सचेंज दिरहम और उज्बेकिस्तान की मुद्रा में कारोबार शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों इससे पहले रुपए रूबल पर भी डील करने की बात कही गई थी जो नहीं हो पाई। अब रशिया ने भी एक दिमाग खेला और दिरहम में भुगतान करने की मांग की जो कि अब भारत की तरफ से हो भी रही है। यह ऐसा तोड़ है जिसका तोड़ निकाल पाना पश्चिमी देशों के लिए भी आसान नहीं होगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दरअसल केंद्र सरकार ने नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के भीतर रक्षा और रणनीतिक महत्व से संबंधित राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता से छूट देने की घोषणा की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यानी कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसके लिए अधिसूचना जारी की। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि सीमावर्ती राज्यों में रक्षा और सामरिक महत्व से संबंधित राजमार्ग परियोजनाएं प्रकृति में संवेदनशील है और कई मामलों में रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा विचारों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता पर बदलाव करने की आवश्यकता है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि इस संबंध में केंद्र सरकार ने इस तरीके की परियोजनाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता से छूट देने के लिए बता दें कि इस अधिसूचना के बाद संशोधित नीति के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में चार धाम परियोजनाओं के कुछ हिस्सों, हिमालयी और उत्तर पूर्व में कई अन्य परियोजनाएं जो कि सीमा या फिर LAC के 100 किलोमीटर के भीतर आती है उन्हें हरी झंडी की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।